दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके ही चैनल उषा की किरण में। मैं हूं आपका दोस्त ब्रजेश। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं सैमसंग के एक खास फ्रिज के बारे में, जो कि आप देख सकते हैं मेरी साइड में है। तो दोस्तों एक यूनिक फ्रिज है जिसको कि सैमसंग ने पहली बार मेरे ख्याल से भारत के अंदर लॉन्च किया है, काफ़ी सारे फीचर्स के साथ में, काफ़ी सारे एडवांटेज के साथ में। अगर दोस्तों हम इसके फीचर्स की बात करें तो महिलाओं के लिए काफ़ी खास फीचर है इसके अंदर, जो कि इसका है टच स्क्रीन, जो कि इसके फ्रंट पैनल के ऊपर आपको दिखाई देता है। काफ़ी बड़ा सारा यहाँ पर आपको LCD डिस्प्ले मिलता है, जिसके अंदर अगर देखा जाए दोस्तों तो महिलाएँ खाना बनाते बनाते अगर उनको कोई भी रेसिपी देखनी है तो वो यहाँ पर आसानी से देख सकती हैं। जैसे कि हमने कई सारी रेसिपी को यहाँ पर यूट्यूब के अंदर हमने सर्च करके रखा हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं खाना बनाने के दौरान तमाम सारी चीज़ों को, और मूवी देख सकते हैं। इवन आपका अगर कोई सीरियल मिस हो गया है तो आप उसकी कड़ी को भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था इसका खास जो फीचर है, मुझे जो लगा इस फ्रिज के अंदर। बाकी दोस्तों बात करते हैं इस फ्रिज की, तो ये थोड़ा सा चौड़ा फ्रिज है। आपके घर के अंदर जो किचन है वो भी बड़ी होनी चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि इतने बड़े फ्रिज को रखने के लिए आपके घर का बड़ा होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर दोस्तों सबसे पहले हम इस फ्रिज की अगर प्राइसिंग की बात करें तो इसकी प्राइस जो है कंपनी की प्राइस है 219,990 रुपये के आसपास, जिसको कि लोटस के अंदर 214,490 रुपये के आसपास की कीमत में आफ्टर डिस्काउंट आपके लिए अवेलेबल करवाया जा रहा है। तो दोस्तों इस अगर फ्रिज के हम मॉडल की बात करें तो स्पेस मैक्स के नाम से ये फ्रिज आता है, जो कि साइड बाई साइड के रूप में भी इसको जान सकते हैं हम, क्योंकि पहले जो सैमसंग का एक साइड बाई साइड जो आया करता था रेफ्रिजरेटर, उसी का एक मिलता जुलता ये स्वरूप है। यहाँ पर दोस्तों आपको 10 साल की वारंटी मिलती है, डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पर ये काम करता है ये रेफ्रिजरेटर। चलिए दोस्तों अदर फीचर्स की बात करते हैं। एक और बता देना चाहता हूँ कि भाई ये आपने ये तो देख लिया कि YouTube का ये चल रहा है वीडियो, आप इसकी साउंड को भी सुन सकते हैं। मैं आपको साउंड सुनाना चाहता हूँ। यहाँ नीचे की साइड में आपको यहाँ पर स्पीकर वगैरह भी मिलते हैं, जिससे कि आप इसकी साउंड वगैरह भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों इसको करते हैं हम जरा साइलेंट और अब चलते हैं अदर फीचर्स की तरफ। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, हमें अमूमन क्या है फ्रिज के अंदर से ठंडा पानी लेके पीने की आदत होती है, तो कई बार हम फ्रिज को खोलते हैं, बॉटल्स निकालते हैं, जिससे कि हमारा फ्रिज भी गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं, या फिर हमें बोतल वगैरह साफ करना, भरना वरना, ये बहुत सारे नाटक रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी इस फ्रिज के अंदर ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि अंदर लगा है एक 4.5 लीटर के आसपास का पानी का टैंक, जिससे कि पानी जो है डिस्पेंसर के द्वारा यहाँ से आपको बस गिलास रखना है, अपने गिलास को भरना है और आप पानी पी सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर आइस क्यूब वगैरह निकालने का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो बाहर से ही बिना फ्रिज को खोले हुए आप तमाम सारी चीज़ों का यहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं खोलता हूँ फ्रिज को। इस तरह से आपको ये फ्रिज को खोलना है, कुछ इस तरह से जैसे कि आप घर का दरवाज़ा खोल रहे हो। यहाँ पर आपकी जो निगाह जाती है अंदर, काफ़ी खूबसूरत LED वाइट कलर की लाइट मिलती है इस फ्रिज के अंदर, और इस साइड में आपको काफ़ी सारी सेल्फ मिल जाती है जहाँ पर आप पानी की बोतल वगैरह रख सकते हैं। ऊपर अगर आप मांसाहारी हैं, अंडे वंडे खाते हैं तो वो रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अंडे रखें, आप सेब भी रख सकते हैं, वो तो एक ऑप्शन है। साथ ही आपको इस साइड का जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा मिलता है फ्रीजर वाला पोर्शन। ये जो फ्रिज है अंदर की साइड से दो पार्ट में डिवाइडेड है, राइट हैंड साइड का जो पार्ट है यहाँ पर आप साग भाजी है इस तरह की चीज़ें रखेंगे, फ्रूट्स वगैरह रखेंगे, और यहाँ पर आप जो फ्रिज के अंदर अमूमन जो चीज़ें रखा करते हैं वो रख सकते हैं, और लेफ्ट हैंड का जो पोर्शन है ये पूरा पूरा इसका फ्रीजर कंपार्टमेंट है, जहाँ पर आप फ्रोजन आइटम है वो रख सकते हैं, आइस वगैरह जमा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पानी का टैंक था वो यहाँ पर दिया गया है 4.5 लीटर का, इसके अंदर आपको पानी फिल कर देना एक बार, जो कि आपको डिस्पेंसर के द्वारा बाहर से ही पानी मिल जाता है। तो अंदर से कुछ नज़ारा ऐसा है इस फ्रिज का, काफ़ी बड़ा है, एक तरह से देखा जाए तो एक गोदरेज की जो अलमारी आती है उसी तरह का ये फ्रिज है। नीचे की साइड में आपको यहाँ पर जो है एप्पल्स वगैरह है या आपकी साग भाजी वगैरह रखने के लिए अलग से केबिन भी मिल जाते हैं, दो दो बॉक्स मिलते हैं, एक ये और एक ये, दो यानी कि एक फ्रूट्स के लिए एक वेजिटेबल के लिए, इधर आपके लिए आइस के लिए, और दूसरा मतलब दो दो कंपार्टमेंट आपको आइस वगैरह जमाने के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा फ्रिज है। अगर आप इस फ्रिज को खरीदना चाहते हैं ऑनलाइन तो आप लोटस का जो ऑनलाइन पोर्ट मतलब वेबसाइट है वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे ही दूंगा। और अगर आप मुझे इंदौर या धार या कहीं से भी देख रहे हैं, मतलब इंदौर के आसपास से, आपके शहर के आसपास में कहीं पे लोटस का आउटलेट है तो आप वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं इस फ्रिज को खरीदने के लिए। प्राइसिंग मैंने आपको दोबारा बता देता हूँ, 219,990 रुपये की इसकी प्राइस है कंपनी की, आफ्टर डिस्काउंट लोटस पे ही अवेलेबल है 214,490 रुपये के आसपास। दूसरा दोस्तों अगर आपके पास में इतना पैसा नहीं है और आप चाहते हैं इसको EMI के ऊपर खरीदना तो वो भी आप खरीद सकते हैं, मंथली EMI 17,875 रुपये की 8 EMI ऑप्शंस के साथ में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर देना, चाहे तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना, फिर मिलूंगा किसी नए रिव्यू के अंदर, तब तक के लिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करते रहिएगा और मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।